हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एंड दिस वीडियो इज अबाउट एन इंटरेस्टिंग मेथड एंड इंटरेस्टिंग टेक्निक जो आप यूज कर सकते हो टू डेवलप स्किल्स फॉर सॉल्विंग टिपिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एपी। ठीक है, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सिंपलर वे में कर पाओगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, बिफोर डिस्क्राइबिंग दिस इंटरेस्टिंग टेक्निक, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि अगर x इज इक्वल टू y प्लस z एक इक्वेशन गिवन है और मैं आपको कहता हूँ इन तीन में से कोई भी दो वैल्यूज गिवन है, लेट अस से x और z, क्या आप y कैलकुलेट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल, y कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे? क्योंकि देखो, y जो आपके पास है वो एक ही वेरिएबल रह जाएगा, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर जा सकता है। दैट इज x माइनस z इज इक्वल टू y, z इधर चला जाएगा ट्रांसपोज होने के बाद। और अगर इन दोनों की वैल्यूज प्रोवाइडेड है ना, x भी गिवन है और z भी गिवन है, यू कैन कैलकुलेट y। ठीक, यहाँ पर हम इस कंसेप्ट का बहुत जगह यूज़ करेंगे। किसी इक्वेशन के अंदर अगर एक चीज़ मिसिंग रह गया ना, तो आप उस इक्वेशन को यूज़ करोगे टू फाइंड द मिसिंग नंबर। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट। देखो, यू हैव लर्न टू फॉर्मूले इन एपी। पहला ए एन का, डेट इज nth टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। दूसरा एस एन का, डेट इज एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो लेट मी बिगिन विद अ क्वेश्चन। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, अगर आपके पास ए की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है और nth टर्म गिवन है 50, आपको किसी ने कहा है n फाइंड कर दो और sn फाइंड कर दो। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर an और sn दोनों मेंशन हुए हैं ना, एक निकालना है, दूसरा गिवन है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, डैट मीन्स आपको यहाँ पर इन दोनों फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके सामने मैंने दोनों फार्मूले लिख दिए। स्टेप वन इज, अब मैं दोनों फार्मूले लिखने के बाद यहाँ पर टिक लगाना स्टार्ट करूँगा कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। देखो, मैं टिक कर देता हूँ जहाँ जहाँ पर आपके पास गिवन चीज़ें प्रेजेंट है। ए 5 है तो ए कहाँ कहाँ वैल्यू डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ वैल्यू और यहाँ डाल सकता हूँ। डी 3 है, देखो डी यहाँ पर प्रेजेंट है और डी यहाँ पर प्रेजेंट है, और कहीं तो प्रेजेंट नहीं है डी। ए एन 50 है, ए एन यहाँ पर आएगा। ठीक है, ए एन और कहीं प्रेजेंट है नहीं, तो जहाँ जहाँ आपके पास ए डी और nth टर्म था मैंने वहाँ टिक कर दिया, मतलब यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप n और sn कैसे निकालोगे इन दो इक्वेशन से, तो जस्ट गिविंग यू हिंट, आप किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर, लेट अस से ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू y प्लस z, अगर दो वैल्यूज गिवन हो तो आप तीसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट सिंपल ट्रांसपोज, है ना, लीनियर इक्वेशन में आप ऐसा कर सकते थे। तो आप यहाँ पर भी यही टेक्निक यूज़ करोगे, चाहे लीनियर इक्वेशन हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर एक चीज़ मिसिंग रह जाती है ना, तो एक इक्वेशन काफ़ी होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर भी हम इसी टेक्निक का यूज़ करेंगे। देखो, अगर मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ, ये वैल्यू डाल देता हूँ और ये वैल्यू डाल देता हूँ, एन ही तो रह जाएगा, बाकी सब तो नंबर्स में होगा, आपके पास क्या कैलकुलेट हो सकेगा, एन। तो मैं यहाँ करके दिखाया था, इट इज ए एन हेयर, ए एन इज 50, 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है आपके पास 3। क्या आप यहाँ से एन नहीं निकाल पाओगे? ऑफकोर्स मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपके पास बन जाएगा 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 एन माइनस 3, बाकी आपके ऊपर है, आप मुझे बताओगे एन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब अगर आपने पहला टास्क कर दिया है, क्या आप एस एन नहीं निकाल सकते? हाँ, एन अगर अवेलेबल है ना, तो एन यहाँ पर भी पुट हो सकता है, यहाँ पर भी पुट हो सकता है और यहाँ पर भी पुट हो सकता है। ये ऑर्डर का ध्यान देना है कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से निकाल सकते हो। दिस इज जस्ट कॉमन सेंस कि भाई यहाँ पर बाकी सारे गिवन है, सिर्फ n मिसिंग था, तो n निकालने के लिए हमने पहले इस इक्वेशन का यूज़ किया, उसके बाद हम स्विच किए sn की तरफ, क्योंकि आपने एक बार n निकाल दिया ना, फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ठीक है, आप ये वैल्यू डाल दोगे जो भी आएगी, तो n यहाँ पर ही पुट हो जाएगा, तो आपके पास निकलेगा क्या, यू विल फाइंड sn, जो भी आपके पास sn है वो फाइंड कर सकते हो। आई थिंक ईजी होगा, आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि हमने दोनों फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज़ कैसे करना है। मैं एक और क्वेश्चन लेकर दिखाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, यहाँ पर आपके पास ए और ए 13 गिवन है, डैट मीन्स 13th टर्म पहली टर्म और 13th टर्म गिवन है, डी और एस 13 निकालना है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ए 13 गिवन हो तो एस 13 की वैल्यू नहीं पूछी गई हो, एस 14 भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए 7 है तो ए मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, है ना, ए मैं यहाँ पर ही पुट कर सकता हूँ। उसके बाद A13 35 है तो A13 मैं यहाँ पर ही पुट कर सकता हूँ, और n एज इट इज़ आपको दिख रहा है 13 है, इस फॉर्मूले में 13 रहने दूंगा। हाँ, अगर मुझे S13 निकालना है तो इसका मतलब मेरे पास ये पूछा गया है और आपके पास n की वैल्यू 13 गिवन है, तो जहाँ जहाँ n है उसकी जगह आप 13 पुट कर दोगे। आई थिंक आपको पता चल गया कि यार मिसिंग चीज़ क्या रह गई है, एक d मिसिंग रह गया है, इधर भी डी मिसिंग रह गया। बट अगर आप देखते हो कि यहाँ कितनी चीज़ें मिसिंग है, देखो पहले पार्ट के अंदर आपके पास 3 चीज़ें गिवन हैं और सिर्फ डी मिसिंग है, बट इस पार्ट के अंदर आपके पास 3 चीज़ें गिवन हैं बट 2 पार्ट्स मिसिंग हैं,
अगर मैं आपको कॉमन सेंस लगाने के लिए कहूं कि भाई आप कौन सा फॉर्मूला पहले अप्लाई करोगे और क्या फाइंड करोगे, यहां से तो फाइंड नहीं हो पाएगा. ऑफ कोर्स क्यों नहीं हो पाएगा यार, यहां दो चीज़ें मिसिंग है, तो आप एक ही इक्वेशन से दो चीज़ें फाइंड नहीं कर सकते हो. बट यहां पर आपके पास एक चीज़ मिसिंग है, डैट मीन्स आप पहले इस एक्सप्रेशन का यूज़ करोगे. क्लियर? तो आप मुझे बताओगे इस क्वेश्चन में ये दो वैल्यूज पुट करने के बाद कि आपके पास डी कितना आएगा. मैं आपको थोड़ा सा हिंट थ्रो कर देता हूँ, देखना. देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में सबसे पहले ए एन की वैल्यू पुट करूंगा तो आपके पास आएगा वो 35. ठीक है, ए की वैल्यू पुट करूंगा वो आएगा 7 प्लस एन गिवन है आपके पास, एन इज 13, तो मैंने पुट किया 13 माइनस 1 और डी मिसिंग है. यहां से आप डी निकालोगे. अब यहां पर भी एन डाल देना और ए डाल देना, तो आपके पास वैल्यू ऐसी आ जाएगी. मैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, तो जो भी आंसर्स आपके कैलकुलेट होते हैं वो मुझे सेंड करना. दिस इज आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ. नमस्ते.